अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़नीस। और तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और क्या कहते हैं, मुझे 7 बजे तक जाना है। अब मुझे एक्चुअली यूनिवर्सिटी जाना है, वैसे उसके एडमिशन्स खुलते हैं ना, तो मुझे वहाँ पे समय जाना है थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए यूनिवर्सिटी को, और यू नो फील्ड वगैरह चूज़ करने के लिए, थोड़ी गाइडेंस के लिए। तो मैं अभी वहाँ जाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैंने चूँकि आपको बताया था कि मैं डाइट पर हूँ, तो फ़िलहाल अभी मैं बस सिर्फ चाय पीऊँगी। थोड़ी देर बाद जब मैं तैयार व्यार हो जाऊंगी 7 बजे तक, मैं तो मतलब वो बहुत बेस्ट चीज़ होती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बाय द वे, मैंने नेल आर्ट किया था रात में ना, मेरी पिंक नेल पॉलिश लगी थी, उसके ऊपर मैंने लगा ली ग्रे कलर की, फ्रेंच कर लिया उससे मैंने, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो खैर अभी चाय बन जाए तो बस चाय पीते, उसके बाद तैयार होते। हाँ जी, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, बहुत बहुत ख्वारी है यूनिवर्सिटी जाने में, खासकर कराची की यूनिवर्सिटी है। एक तो कराची इतना बड़ा, ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी, चल चल के इंसान का दिमाग ख़राब हो जाए। खैर मैं तो तैयार होकर गई थी, खैर मैं इतना नहीं तैयार होकर गई थी क्योंकि मुझे पता था गर्मी होगी और मतलब चेहरा फजूल में ख़राब होगा, इंसान ज़्यादा फजूल में मुँह पर कुछ लगा के जाए, लिहाजा बस मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, मतलब सनस्क्रीन लगाई जो अपनी मैंने दिखाई थी आपको, वो लगाई थी, और मस्कारा और ब्लश ऑन और लिपस्टिक, बस वो भी हल्की हो गई मेरी, लिपस्टिक भी ब्लश ऑन भी ना, तो बस यही सब मैं लगा कर गई थी। बाकी मैं आ चुकी हूँ, अभी मैं आ ही रही थी तो मुझे रास्ते में मम्मा मिल गई थी, तो फिर मैंने सोचा हमारे घर की तरफ जो ना फ्रेश जूस मिलता है, मैंने सोचा अनार का जूस ले लूँ, थोड़ी ठंडक हो जाएगी भाई। कहने को रात में सर्दी है लेकिन दोपहर में तो अल्लाह माफ़ी की गर्मी है, ख़ासकर इस टाइम में जो धूप निकलने के बाद का टाइम होता है ना, 9 से 12 या 2 तक 3 बजे फिर भी सही हो जाता है ना मौसम, मम्मा 3 साढ़े 3 तक फिर भी मौसम सही हो जाता है, लेकिन भाई बहुत गर्मी है। तो ये आज मैं सूट ना पहन कर गई थी, मेरी कुर्ती मैंने नहीं ली थी, तो ये मैं पहली दफ़ा यहीं यूनिवर्सिटी पहन कर गई। अब मैंने सोचा है कि मैं यहीं पर एडमिशन ले लूँ, तो लेट्स सी कि अभी दोबारा एडमिशन्स खुलते हैं तो फिर मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, अब ये लोग डायरेक्ट तो फॉर्म्स लेते नहीं हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ फिसल जाता अभी जूस। तो बस यही सीन था, अब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू करूँगी तो वहाँ की भी ब्लॉगिंग शुरू करूँगी, फिर तो तफरी है लाइफ में, लेकिन मुझे पता है यूनिवर्सिटी वालों की लाइफ इतनी आसान, ओ गिरा दिया, आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि मम्मा ने कुछ गिराया, वरना हमेशा ये वाले नमूने गिरियाँ मैं ही करती थी। आज इतिहास में गोल्डन लव्स गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा कि मम्मा से भी कुछ गिरा, वरना हमेशा ये वाला मसला मेरे साथ ही आता था। ये रहा मेरा अनार का जूस, तो मजे का हो रहा है बहुत सुकून मिल रहा है पीकर, और एक चुकंदर, आजकल चुकंदर का मौसम है, तो ब्लश ऑन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जामे में जो कदूरत में आपके साथ आई थी, कदूरत में जो थी लड़की, ये बहुत मजे का हो रहा है कसम से, अगर इसके अंदर चुकंदर, वो ABC जूस होता है ना, वो लोग डाइट में अपने अभी रखते हैं उसको ना, तो वो एप्पल और बीट रूट और कैरेट, परफेक्ट, और ग्रेप फ्रूट का भी, मामा ग्रेप फ्रूट था भी उसके पास, उसी का ले लेते, मैंने भी नहीं देखा, मुझे अनार दिखा, मैंने बोला मुझे अनार का ही दिला दे मम्मा, वरना मैं ग्रेप फ्रूट का ही ले ली थी, मेरे जहन में नहीं था कि चलो मैं उससे पूछ लेती हूँ। ग्रेप फ्रूट और बनाना ही रहता है उसके पास, ये एप्पल का कोई हाँ ना लो, अच्छा एप्पल का कोई लेने आया था ना, उसने कहा कि अभी आएगा। खैर तो अभी बस ये पीते हैं और फिर मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर मुझे कोचिंग भी जाना है आज, तो अब आज का दिन मेरा बिजी दिन है, आज तो अपना रंग काला करा ही लूंगी मैं, जितनी मेहनत से मैं सही करती हूँ ना उसका सनटैन मिटाती हूँ अपना, तो ये आज दोबारा वही हालत हो जाएगी। खैर अभी बस जल्दी से इसको पीते हैं, फिर तो आउच लग गई, जल्दी से पीते हैं उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद दोबारा उठ के फिर बिजी डे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम, और मैं अब सोकर उठ चुकी हूँ, और मेरा कोचिंग जाना भी कैंसिल हो गया था,
तो मेरा कोचिंग जाना भी बिल्कुल कैंसिल हो गया था क्योंकि मुझे नींद इतनी आई थी, मैं तो थक चुकी थी, देख ले उजाड़ हुई हूँ मैं नींद वाली हालत में हूँ। तो खैर भी मम्मा ने खाना बना लिया तो अभी हम खाना खाएंगे। मम्मा ने खाने में बनाया है, ओह बहुत अंधेरा आ गया, मम्मा ने खाने में बनाया है ताहिरी, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी उसकी एक दफ़ा रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो मम्मा ने ताहिरी बनाई है और उसके साथ सैलड है, चटनी है। तो अभी बस खाते उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? दिखा देती हूँ एक दफ़ा, बड़े मज़े की लगती है ये, देख लें कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और इतनी मिर्च वाली मुझे इतनी पसंद है ताहिरी, और साथ में मम्मा ने सैलड बनाया है, ये चटनी रखी है हमारी। तो बस खाना खाते हैं उसके बाद बात करते हैं। यहीं से अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई नो ये व्लॉग थोड़ा बोरिंग हम कह सकते हैं क्योंकि कहीं मेरा आना जाना नहीं हुआ, लेकिन आई प्रॉमिस मेक श्योर टू क्या कहते हैं अगले व्लॉग के अंदर मैं लाजमी कहीं ना कहीं कोई एडवेंचरस चीज़ रखूँ, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।